चलिए, कल हम लोग जो बात कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हैं। कनेक्टेडनेस के ऊपर हम लोग बात शुरू कर चुके थे, तो व्हाट वी सॉ यस्टरडे, वी सॉ द फॉलोइंग थिंग्स दैट इफ वी टेक टू ओपन और क्लोज सबसेट्स ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस देन दे आर सेपरेटेड If and only if they are disjoint, ये हम लोगों ने कल इस रिजल्ट को ही देख लिया था। वैसे तो जो सेपरेटेड होने की जो कंडीशन है वो disjoint होने से stronger condition है, मतलब केवल disjoint हो जाने से separated नहीं हो जाते, ठीक है? लेकिन हम लोगों ने ये एक अच्छा रिजल्ट देखा था कि अगर दो ओपन या क्लोज सबसेट्स हैं टोपोलॉजिकल स्पेस के, तो अगर वो disjoint हैं तो भी वो सेपरेटेड होंगे ही होंगे, ठीक है? इसी तरह का एक सिमिलर रिजल्ट है जिससे आज हम लोग शुरुआत करेंगे कि इफ वी टेक टू डिसजॉइंट सेट्स ए एंड बी देन द टू डिसजॉइंट सेट्स ए एंड बी आर सेपरेटेड इन अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टाउ इफ एंड ओनली इफ दे आर बोथ ओपन एंड क्लोज्ड इन सब स्पेस ए यूनियन बी। अब देखिए, जो कल का जो रिजल्ट था और इस आज वाले रिजल्ट में थोड़ा सा अंतर है कि आज जो मैं बात कर रहा हूं, दो डिसजॉइंट सेट्स आज भी ले रहा हूं ए और बी और उन्हें सेपरेटेड कह रहे हैं हम लोग, लेकिन उन्हें हम सेपरेटेड होने की जो नेसेसरी और सफिशियंट कंडीशन कह रहे हैं वो ये है कि वो सेट्स बोथ ओपन एंड क्लोज्ड होंगे इन सब स्पेस ए यूनियन बी। यहां पर समझना होगा कि जैसे अगर हम लोग एक टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स लेते हैं, एक्स कॉमा टाउ लेते हैं और उसमें दो सेट्स ले लेते हैं ए और बी, जो कि दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं, दोनों सेट्स दिए हुए हैं डिसजॉइंट, तो सब स्पेस ए यूनियन बी में हमें बात करनी है। अगर हमें सब स्पेस ए यूनियन बी में बात करनी है तो सब स्पेस टोपोलॉजी आप जानते ही हैं, टाउ ए यूनियन बी इज जी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी सच दैट जी बिलोंग्स टू टाउ, जहां पर जी कोई भी टाउ ओपन सेट है, तो उसका इंटरसेक्शन ए यूनियन बी से कराने के बाद में हमको सब स्पेस टोपोलॉजी ओवर ए यूनियन बी मिलेगी। तो देखते हैं इसको रिजल्ट को कैसे प्रूव करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैंने कंसिडर किया कि दो सेट्स हैं ए और बी, ठीक है, जो कि दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं, इन्हें मैंने एक्स कॉमा टाउ टोपोलॉजिकल स्पेस में कंसीडर किया है और दोनों टाउ सेपरेटेड हैं। एक टाउ सेपरेटेड होने का मतलब हो गया कि ए इंटरसेक्शन क्लोजर ऑफ बी भी फाइव होगा और क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी फाइव होगा। अब हम क्या प्रूव करना चाहते हैं, हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि ए एंड बी आर बोथ ओपन और क्लोज एंड क्लोज्ड, लेकिन कहां, इन ए यूनियन, नो नॉट इन टाउ, नॉट इन टाउ, इन ए यूनियन बी। रिजल्ट को फिर से देखो, देखिए क्या रिजल्ट, रिजल्ट क्या कह रहा है, रिजल्ट ये कह रहा है कि टू डिसजॉइंट सेट्स ए यूनियन ए एंड बी आर सेपरेटेड इन अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टाउ If and only if they are both open and closed in subspace A union B. तो अब आज हम लोग ये slightly different result हम लोग prove करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमें ये दिखाना होगा कि A और B दोनों closed और open दोनों हैं in subspace topology over A union B. तो इसके लिए हम क्या करेंगे? Mute कर लो, किशमोहन mute कर लो। तो इसके लिए हाँ mute कर लो। तो इसके लिए हम लोग क्या prove करेंगे? हम लोग ये prove करेंगे कि ए जो है वो इक्वल होगा, क्लोज होने के लिए हम लोग क्या क्या दिखाते हैं कि क्लोज होने के लिए हम लोग दिखाते हैं कि ए इज इक्वल टू क्लोजर ऑफ ए। तो यहां पर हम प्रूव करेंगे कि ए इज इक्वल टू क्लोजर ऑफ ए, लेकिन कौन कौन से सब स्पेस में, ए यूनियन बी वाले सब स्पेस में। तो यहां पर मैं नीचे लिखूंगा ए यूनियन बी, यानी कि क्लोजर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ए यूनियन बी। एक काम करते हैं, ए यूनियन बी को हम लोग ई सपोज कर ले रहे हैं, ठीक है? तो मैंने ए यूनियन बी को ई मान लिया है, तो यानी कि हम लोग प्रूव करना चाहेंगे कि ए इज इक्वल टू क्लोजर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ई। ये प्रूव कर लेने से ए क्लोज हो जाएगा, क्योंकि क्लोज सेट का मतलब ही यही है कि सेट अपने क्लोजर के इक्वल होगा। ये प्रूव करने के लिए मैंने क्या किया है, क्लोजर ऑफ ए रिलेटिव टू ई मैंने फाइंड किया। अच्छा, हम सब स्पेस टोपोलॉजी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर सब स्पेस टोपोलॉजी की बात करते हैं, जैसे ई सब स्पेस टोपोलॉजी है, ई पर हम सब स्पेस टोपोलॉजी ले रहे हैं, तो जो क्लोजर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ई होगा वो क्लोजर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एक्स
इंटरसेक्शन ई के बराबर होगा। अब यहां पर हम लोग ई की अगर वैल्यू रख दें, मतलब ई को जो हमने लेट किया था, ई को हमने लेट किया था ए यूनियन बी, तो अगर हम यहाँ पर ई की जगह पे ए यूनियन बी रख देते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यूज करते हैं, तो हम लोग को क्या मिलता है, हम लोग को ये मिलता है क्लोजर ऑफ ए रिलेटेड टू एक्स इंटरसेक्शन ए यूनियन क्लोजर ऑफ ए रिलेटेड टू एक्स इंटरसेक्शन बी। अब इसमें से देखिए ये वाला जो हिस्सा है ये फाई है, क्योंकि इट इज गिवन दैट ए एंड बी आर टाउ सेपरेटेड, ठीक है। तो अगर ये फाई है, फाई का हम यूनियन करेंगे, और हम जानते हैं कि कोई भी सेट अपने क्लोजर का सबसेट होता है, तो अगर इनका इस पोर्शन का इसका इंटरसेक्शन करेंगे, इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो हमें सीधे ए मिलेगा, और इसके इंटरसेक्शन से हमें फाई मिल रहा है, और ये ओवरऑल हमको कैपिटल ए मिल जा रहा है। यानी हम लोगों ने क्या शो कर दिया कि क्लोजर ऑफ ए रिलेटिव टू ई इज सेम एज ए, और अगर ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब ये हो गया कि ए एक क्लोज सेट हुआ रिलेटिव टू या विद रिस्पेक्ट टू द टोपोलॉजिकल स्पेस और सब स्पेस ओवर ई, ठीक है। तो यहां से हो गया कि ए इज टाउ ई क्लोज। इसी तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि बी विल ऑल्सो बी टाउ ई क्लोज, ठीक। अब रह गया दिखाना कि ये दोनों ओपन भी है, तो देखिए इनको ओपन कैसे दिखाएंगे। देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर आप कोई भी एक सेट लेते हैं, जैसे आपने यहां पर सपोज कीजिए आपने ई की बात की, और आपने क्या शो कर दिया कि एक तो आपका ए और बी का यूनियन जो है वो ऑलरेडी ई है। तो देखिए अगर मान लीजिए कि सपोज दिस सेट इज ए एंड दिस सेट इज बी, देयर यूनियन, उनका जो यूनियन है वो ई आ रहा है, और साथ ही साथ में आपने ये भी शो, और साथ ही साथ में अगर ए और बी का इंटरसेक्शन फाई भी है, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर ऐसा कोई भी केस होगा तो ए का जो कॉम्प्लीमेंट होगा, ध्यान रहे ए का कॉम्प्लीमेंट की जब मैं बात कर रहा हूं यहां पर, तो मैं ए के कॉम्प्लीमेंट एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं जो ए का कॉम्प्लीमेंट विद रिस्पेक्ट टू ई होगा, या आप ये भी कह सकते हैं ई माइनस ए। तो जब E में से A माइनस करेंगे तो सीधे सीधे B मिल जाएगा, और जब B का कॉम्प्लीमेंट करेंगे वो भी विद रिस्पेक्ट टू E मैं कह रहा हूं, तो वो A मिल जाएगा। यानी A और B एक दूसरे के क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट हो गए, अगर हम E के रिस्पेक्ट में बात करें, ठीक है। और जो हम सब स्पेस टोपोलॉजी ले रहे हैं वो भी हम E के लिए ले रहे हैं, यानी उस सब स्पेस टोपोलॉजी के लिए E हमारा यूनिवर्सल सेट हुआ, ठीक है। तो अगर हम जानते हैं कि अगर कोई सेट क्लोज है, जैसे कि अभी हम लोगों ने क्या प्रूव किया, अभी हम लोगों ने प्रूव किया कि ए इज टाउ ई क्लोज्ड, ठीक है, ए इज टाउ ई क्लोज्ड इन द सबस्पेस ई, ओवर द सबस्पेस ई। तो अगर वो ए टाउ ई क्लोज है तो उसी ई के लिए जो ए का कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, और जो ए का कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, ए का कॉम्प्लीमेंट बी आ रहा है, तो इससे इसका मतलब ये क्लियर है कि बी जो सेट होगा हमारा वो ओपन हो जाएगा, टाउ ई ओपन। सिमिलरली इसी तरह से बी का कॉम्प्लीमेंट करने पर ए आ रहा है, तो अगर हम लोग प्रूव कर चुके हैं जैसा कि बी हमारा टाउई क्लोज है, तो जो बी का कॉम्प्लीमेंट हुआ वो हो गया टाउई ओपन। तो इस तरह से हमने ये शो कर दिया कि ए और बी दोनों टाउई ओपन भी हैं और ए और बी दोनों टाउई क्लोज भी हैं, ठीक है। तो ये एक पार्ट हमारे थ्योरम का हुआ। अब इस थ्योरम के कन्वर्स पार्ट की बात करते हैं, ठीक। तो कन्वर्स पार्ट की अगर बात करें तो उसमें हम लोगों को क्या गिवन है और क्या प्रूव करना है, सबसे पहले ये समझते हैं। कन्वर्स पार्ट में हमारे पास में एक टोपोलॉजिकल स्पेस है X, ठीक, और उस टोपोलॉजिकल स्पेस में हमने दो सेट्स लिए A और B, और ये दोनों सेट्स हमारे कैसे सेट्स हैं, डिसजॉइंट सेट्स हैं। ये दोनों सेट्स हमारे एक दूसरे से कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं रखते, इंटरसेक्ट नहीं करते, ठीक। अब ए और बी जो हमारे दो सेट्स हैं वो दोनों ही सेट्स सब स्पेस ए यूनियन बी में, अगर ए यूनियन बी को ई मान लें, ठीक है, तो सब स्पेस ए यूनियन बी में ए और बी दोनों बोथ ओपन एंड क्लोज हैं इस बार कन्वर्स पार्ट में। तो हमको शो क्या करना है, हमको शो ये करना है कि जो ए और बी सेट्स होंगे वो टाउ सेपरेटेड होंगे। टाउ सेपरेटेड मतलब एक्स कॉमा टाउ हमारे जो मेन टोपोलॉजिकल स्पेस है उसमें टाउ सेपरेटेड होंगे। टाउ सेपरेटेड होने के लिए हम लोग ऑब्वियसली बात, हम लोग को क्या दिखाना होता है, हम लोग को दिखाना होता है ए इंटरसेक्शन क्लोजर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू एक्स टाउ इज फाई, और इसी तरह से क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज ऑल्सो फाई। तो अब हमें सब मिला करके ये चीजें गिवन है और ये हमें प्रूव करना है, ठीक। कैसे करेंगे देखते हैं। देखिए जैसा कि गिवन है कि ए और बी दोनों ही टाउ ई क्लोज भी हैं और टाउ ई ओपन भी हैं, तो अगर ए क्लोज भी है ओपन भी है ई में,
तो इसका मतलब हो गया कि ए इज इक्वल टू क्लोजर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ई, ठीक, यहां तक हो गया। इसके बाद क्लोजर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ई, ई क्या है, सब स्पेस टोपोलॉजी। तो जो तो देखिए, तो ए क्लोजर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ई के इक्वल है, और क्लोजर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ई सब स्पेस टोपोलॉजी की मदद से हम लिख सकते हैं कि वो क्या हो जाएगा, क्लोजर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटरसेक्शन ई, ठीक। अब यहां पर हम लोग अगर E की जगह वापस से A यूनियन B रख देते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यूज करते हैं, तो हमको क्या मिलता है, क्लोजर ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू X इंटरसेक्शन A यूनियन क्लोजर ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू X इंटरसेक्शन B, ठीक। और ये जो हिस्सा है, ये हमारा क्लोजर ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू X इंटरसेक्शन A, ये क्या हो जाएगा, ये हिस्सा हमारा A के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि A is, we know that A is always subset of closure of itself, ठीक। तो यहां से आ गया A union closure of A with respect to X intersection B, इसको मैंने लेट किया equation 1, ठीक। अब देखिए, A intersection B आपको given है, phi है, A और B दोनों disjoint sets हैं, ठीक है। तो अगर हम A intersection B is equal to phi में A के लिए ये जो हम लोगों ने expression find किया कि A is equal to A union of this इक्वेशन वन में, इसको हम यहां रख दें और फिर इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाइव करें, तो क्या मिलता है, देखिए हमें मिलता है ए यूनियन बी, ए सॉरी ए इंटरसेक्शन बी, बीच में आएगा ये यूनियन, फिर क्या आएगा, क्लोजर एक्स, क्लोजर ऑफ ए रिस्पेक्ट टू एक्स इंटरसेक्शन बी, अगेन इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाइव, बी इंटरसेक्शन बी फिर से बी हो जाएगा, और ए इंटरसेक्शन बी जो है वो फाइव है, तो क्या मिला, फाइव यूनियन समथिंग is equal to phi, phi union, तो phi के साथ union तो phi ही रहेगा, मतलब phi के साथ union वही set रहेगा जो हम कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा आपका, this set is equal to phi, it means that आपने prove कर दिया है कि B intersection closure of A with respect to X phi है, इसी तरह से आप दिखा सकते हैं कि A intersection closure of B with respect to X भी phi होगा, तो इसलिए हमारे जो sets हैं A और B वो क्या हो गए, वो हो गए tau separated sets, ठीक। तो एक अच्छा रिजल्ट था, इसके बाद में हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट रिजल्ट्स की तरफ या नेक्स्ट डेफिनेशंस की तरफ। देखिए जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा मेन चैप्टर का नाम है, वो कनेक्टेडनेस ही है, तो अब हम लोग आते हैं मेन डेफिनेशन, जो कि हमारी मेन डेफिनेशन है कनेक्टेड एंड डिसकनेक्टेड सेट्स या कनेक्टेड एंड डिसकनेक्टेड स्पेसेस, उसके ऊपर हम लोग आते हैं, ठीक। तो डेफिनेशन समझ लेते हैं अच्छे से, किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस में अगर कोई सेट लें, देखिए अगर हम लोग कोई टोपोलॉजिकल स्पेस x tau लेते हैं, तो उसमें एक सेट A है, कोई भी सबसेट A है x का, उसे हम कहेंगे tau disconnected, अगर वो सेट A किन्हीं दो ऐसे सेट्स के यूनियन की फॉर्म में लिखा जा सके, अगर उस सेट A को किन्हीं दो ऐसे सेट्स के यूनियन की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सके जो दोनों सेट्स नॉन एम्प्टी हो, सेपरेटेड हो, C और D tau सेपरेटेड हो, अगर A को दो tau सेपरेटेड सेट्स के यूनियन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो हम लोग कहेंगे कि A is tau disconnected, और अगर कोई सेट डिस्कनेक्टेड नहीं होता है तो हम उस सेट को कहते हैं कनेक्टेड, ठीक। फिर एक बात करते हैं कि दो पॉइंट्स अगर हम लें, अगर हम लोग किसी टोपोलॉजिकल स्पेस x, tau में दो पॉइंट लें A और B, तो वो दो पॉइंट्स कब कहलाते हैं कि वो दो पॉइंट्स कनेक्टेड होंगे, ठीक है। तो अगर कोई एक ऐसा सेट मिले कैपिटल A, जिस सेम सेट में दोनों पॉइंट्स A और B बिलोंग करते हो, और वो हमारा सेट कनेक्टेड हो, हमारा सेट कैपिटल A tau कनेक्टेड हो, और वो दोनों पॉइंट्स उस सेट में बिलोंग करते हो, तो वो दोनों पॉइंट्स भी tau कनेक्टेड कहलाते हैं। मतलब अगर किसी कनेक्टेड सेट को हम ले रहे हैं, उसके अंदर जो भी पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स हमारे tau कनेक्टेड पॉइंट्स कहलाते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन। अगर हम लोग कोई ये डेफिनेशन क्या आप एक रिजल्ट कह सकते हैं, इसको थ्योरम है ये, जिसको आप लोग खुद ट्राई करेंगे, आसान सा रिजल्ट है। अगर हम लोग कोई टोपोलॉजिकल स्पेस लें x tau, और फिर उस टोपोलॉजिकल स्पेस के अंदर उसका एक सब स्पेस लें y, ठीक है, y, tau y, और फिर y के अंदर हम लोग एक सेट लें a, ताकि उसको हम दोनों ही टोपोलॉजिकल स्पेसेस में कंसीडर कर सकें, ठीक है।
तो ए जो सेट आपने लिया वाई के अंदर वो टाउ वाई डिस्कनेक्टेड तभी होगा जब वो टाउ एक्स या टाउ डिस्कनेक्टेड होगा, ठीक। और अगर टाउ एक्स डिस्कनेक्टेड होगा तो टाउ वाई डिस्कनेक्टेड होगा, यानी ये जो रिजल्ट है ये वाइस वर्सा या नेसेसरी एंड सफिशियंट या इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है, दोनों तरफ से आप इसको प्रूव करेंगे कि इफ ए इज टाउ डिस्कनेक्टेड देन ए इज टाउ वाई डिस्कनेक्टेड एंड इफ ए इज टाउ वाई डिस्कनेक्टेड देन ए इज टाउ डिस्कनेक्टेड। तो ये एक अच्छा रिजल्ट है, ये बताता है कि सब स्पेस में डिस्कनेक्टेड का मतलब वही होगा कि अगर वो सेट आपके पूरे टोपोलॉजिकल स्पेस में डिस्कनेक्टेड, ठीक। फिर हम आते हैं एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट पर जिसको हम लोग प्रूव करेंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट। क्या है ये रिजल्ट देखते हैं। अगर हम बात अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि कोई एक टोपोलॉजिकल स्पेस में एक सेट ले लें तो वो सेट हमारा कब डिस्कनेक्टेड होता है, ठीक है। हम जानते हैं कि एक्स खुद भी एक सेट है, अपने आप का सबसेट है, एक्स इज इटसेल्फ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो अगर आप लोग एक्स कॉमा टाउ एक टोपोलॉजिकल स्पेस की बात करते हो तो आप एक्स की अगर खुद एक्स की बात करने लगो तो एक्स कब टाउ डिस्कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो एक्स खुद कब टाउ डिस्कनेक्टेड होगा उसकी बात हम लोग करते हैं, और इसके लिए एक रिजल्ट है, एक थ्योरम है, उसको हम लोग प्रूव करेंगे, और काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि एक्स इज डिस्कनेक्टेड और टाउ डिस्कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है इस रिजल्ट का, अ नॉन एम्प्टी proper subset of x which is both open and closed in x tau, a non-empty proper subset of x which is both open and closed in x tau। इसको प्रूव करते हैं इस रिजल्ट को। तो पहले हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि चलिए ठीक है, मान लिया कि x एक ऐसा x tau एक टोपोलॉजिकल स्पेस है जिसमें x एक ऐसा सेट है जो कि खुद डिस्कनेक्टेड है इन x tau, ठीक। तो अब डिस्कनेक्टेड सेट होने की डेफिनेशन से क्या हो जाएगा कि दो नॉन एम्प्टी है ना, दो नॉन एम्प्टी सेट्स मिलेंगे ए और बी जो कि सेपरेटेड होंगे, डिस्कनेक्टेड की डेफिनेशन से सेपरेटेड होंगे, और एक्स उनके यूनियन की फॉर्म में लिखा जा सकता होगा, ठीक। यहां पर सबसे पहले हम लोग प्रूव करेंगे कि ए और बी का जो इंटरसेक्शन है वो फाई है। तो देखिए आप ऐसे ही जानते हैं इसको, अगर आप इसको नहीं भी देखते हैं तो भी आपको पहले ही से क्लियर है कि अगर दो सेट सेपरेटेड हैं तो उनका डिसजॉइंट होना जरूरी है। तो देखिए अब अगर ए और बी डिसजॉइंट हो जाते हैं तो उससे क्या होगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि अगर हमारा एक्स एक सेट है जो कि दो सेट्स के यूनियन के इक्वल है, ए और बी के यूनियन के इक्वल है, और वो जो दो सेट्स हैं उनमें आपस में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो मतलब अगर ए इधर और बी इधर है उनका यूनियन करने से पूरा एक्स आता है और ए और बी कुछ भी शेयर नहीं करते हैं, कुछ भी कॉमन नहीं रखते हैं, तो ऐसे केस में एक्स के रिस्पेक्ट में अगर ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो बी आएगा और बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो ए आएगा, ठीक है। ये हमको आगे हेल्प करने वाला है इस थ्योरम में। तो ये हमारे इस थ्योरम का पहला मेन स्टेप था, प्रूफ, ये शो करना या ये समझना कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, फाई होगा। मैंने यहां लिख दिया है कि ए और बी क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर इन या विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक। अब हम लोग आते हैं अपने सेकेंड स्टेप की तरफ कि हम लोग उसके बाद क्या शो करेंगे। देखिए एक्स आप जानते हैं कि एक्स क्या है, ए यूनियन बी है ना, और बी सबसे क्लोजर ऑफ बी, ठीक। तो अगर ए यूनियन बी इधर करे और उधर भी यूनियन ए करे तो भी हो जाएगा, ठीक। और एक्स किसके इक्वल है, एक्स इज इक्वल टू ए यूनियन बी, और एक्स सबसेट किसका हो गया, ए यूनियन बी बार का, और एक्स हमारा यूनिवर्सल सेट भी है, ये भी ध्यान रहे, तो एक्स किसी और का सबसेट तो नहीं होगा, खुद अपने खुद का ही सबसेट होगा। तो इसका मतलब हो गया कि एक्स और ए यूनियन बी बार आपस में इक्वल होंगे, वही मैंने यहां पर मेंशन किया है कि एक्स विल बी सेम एज ए यूनियन बी बार। अब देखिए इससे फायदा क्या मिलने वाला है, देखिए ए और बी आपके टाउ सेपरेटेड है, ठीक है, ए और बी आपके टाउ सेपरेटेड है। अगर ए और बी टाउ सेपरेटेड है तो ए इंटरसेक्शन बी बार क्या हो गया, फाई हो गया, और ए और बी बार का यूनियन क्या हो गया, एक्स हो गया। फिर वही पुरानी बात कि अगर ए और बी बार दो ऐसे सेट है जिनका यूनियन एक्स है और आपस में कुछ भी कॉमन नहीं रखते हैं तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट हो गए। तो इसका मतलब बी बार का कॉम्प्लीमेंट जो है वो ए होगा। अब आप सोचिए कि बी बार हमेशा कैसा सेट होता है, क्लोजर हमेशा एक क्लोज्ड सेट होता है, तो सिंस इट इज अ क्लोज्ड सेट उसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो वो कैसा सेट आ जाएगा, ओपन सेट। तो इसलिए ए हमारा कैसा सेट हो गया, ओपन सेट हो गया, जो कि बी बार हमारा कैसा सेट है, क्लोज सेट। तो देखिए यहां तक हम लोगों ने क्या प्रूव कर दिया, यहां तक हम लोगों ने प्रूव कर दिया है कि ए हमारा ओपन एक ओपन सेट है, समझ में आ गया। यहां तक हम लोग ये प्रूव कर चुके हैं कि ए हमें एक ओपन सेट मिल चुका है, ठीक।
चलिए फिर देखते हैं, जैसा कि A इंटरसेक्शन B बार इज इक्वल टू 5 है, वैसे ही A बार इंटरसेक्शन B भी तो 5 होगा ना, जैसे अभी आप लोग इसको प्रूव कर रहे हो, इसको शो कर रहे हो, उसी तरह से अगर आप चाहो तो ये भी दिखा सकते हो, क्या दिखा सकते हो कि X किसके इक्वल होगा, A बार यूनियन B के, और A बार इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो यहां से क्या आ जाएगा, B विल बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ A बार, ठीक है ना, और अगर B कॉम्प्लीमेंट ऑफ A बार हो जाएगा, A बार हमेशा कैसा सेट होता है, क्लोज सेट, तो और क्लोज सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसा सेट होता है, ओपन, तो जैसा अभी आपने दिखाया कि A एक ओपन सेट होगा, उसी तरह से आप ये भी शो कर सकते हैं कि B भी कैसा सेट है, ओपन सेट, ठीक। तो अब हमारा यहां तक क्या हो गया कि A और B दोनों ओपन सेट्स हो गए हैं, ठीक है, A और B दोनों ओपन सेट्स हो गए हैं, और A और B दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट भी हैं, A और B दूसरे के कॉम्प्लीमेंट भी हैं। अब देखिए, देखिए जैसे कि A का B का कॉम्प्लीमेंट A है, और B को आपने क्या दिखा दिया, ओपन सेट, तो ओपन सेट और उसका कॉम्प्लीमेंट जो हम लेंगे तो कैसा सेट हो जाएगा, क्लोज सेट, तो इससे ये साबित होता है कि A क्लोज सेट है, क्लियर। आप ये भी दिखा सकते हैं कि B भी क्लोज सेट है, यानी A और B दोनों कैसे सेट है, ओपन भी है, क्लोज भी, क्लियर। फिर देखिए A आपका क्या है, नॉट इक्वल टू 5, तो पहले ही आप लोग कह चुके हैं, और B कैसा सेट है, B भी नॉट इक्वल टू 5, ठीक है। अगर कोई ऐसा सेट लें जो कि एम्प्टी सेट नहीं है, तो उसका जब कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वो हमारा कैपिटल X नहीं आएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि A एक तो नॉन एम्प्टी सेट है, नंबर वन, नंबर टू, A नॉन एम्प्टी सेट होने के साथ साथ हमारे कैपिटल X का प्रॉपर सबसेट भी है, और A हमारा ओपन भी हो चुका है, क्लोज भी हो सकता है, हो चुका है, यही चीज हम लोग B के लिए भी कह सकते हैं, क्लियर। तो इसका मतलब क्या हो गया, हम लोगों ने क्या शो कर दिया, हम लोगों ने ये शो कर दिया कि X tau अगर डिस्कनेक्टेड है, मतलब खुद X हमारा डिस्कनेक्टेड है, देन देयर एग्जिस्ट अ नॉन एम्प्टी प्रॉपर, मतलब A हमारा क्या है, नॉन एम्प्टी भी है, और A नॉट इक्वल टू X मतलब प्रॉपर सबसेट भी है, है ना, सेट जो कि दोनों, विच इज बोथ बोथ ओपन एंड क्लोज्ड, ठीक है। मतलब ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक तरीके से क्राइटेरिया बन रहा है, ये बताने में आपकी मदद करता है कि कोई टोपोलॉजिकल स्पेस डिस्कनेक्टेड कब होगा, क्लियर हो गया। जैसे कि आप अगर बात करें R, U की बात करें, R, U मतलब आपकी वही पॉइंट सेट थ्योरी या पॉइंट सेट टोपोलॉजी, ठीक है, रियल लाइन की बात करें, तो अगर हम लोग रियल लाइन की बात करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि रियल लाइन में केवल एक इकलौता सेट ऐसा होता है जो कि बोथ ओपन एंड क्लोज होता है, फाई को छोड़कर, फाई को छोड़कर इकलौता केवल R ही एक ऐसा सेट होता है जो कि दोनों ओपन और क्लोज की भूमिका में रहता है, ठीक। तो क्या R, U में आपको कोई ऐसा सेट मिलेगा जो कि नॉन एम्प्टी हो और प्रॉपर हो और बोथ ओपन एंड क्लोज हो? नहीं मिलेगा, क्योंकि R, U में केवल R और phi ही ऐसे सेट होते हैं जो कि बोथ ओपन एंड क्लोज होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि R, U डिस्कनेक्टेड नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम। तो R, U इज कनेक्टेड, यानी R इज कनेक्टेड इन R, U, यू कैन से दिस, ठीक। बट अगर हम टोपोलॉजी चेंज कर दें, हम R, D की बात करें, डिस्क्रीट, दिस इज डिस्क्रीट, अगर हम लोग डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस लेने लगे आर पर, हम जानते हैं कि डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस में तो कोई भी सेट ले लीजिए, ठीक है ना, सिंगल सेट वन ले लो, वो भी ओपन भी है क्लोज भी है, तो वहां पर तो कोई भी प्रॉपर नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट उठाओगे वो ओपन भी होगा क्लोज भी होगा। इसका मतलब आर को अगर हम आर कॉमा डी में देखेंगे तो डिस्कनेक्टेड होगा, और आर कॉमा यू में देखेंगे उसी आर को तो वो कनेक्टेड होगा, ठीक। फिर देखिए मैंने एक एग्जाम्पल ये दिया है, ठीक है, आप इसको आराम से मैं कोशिश करूंगा इसका वीडियो भी शेयर कर दूंगा YouTube चैनल पे अपने, और साथ ही साथ में अगर इसकी ट्रांसक्रिप्ट मतलब कि ये पावर पॉइंट या PDF जो भी है इसको भी मैं शेयर करने की कोशिश करूंगा, इसको आप आराम से इस एग्जांपल को देख लीजिएगा। ये एक नोट, एक इम्पोर्टेंट नोट है, क्या कह रहा है देखिए, देखते हैं इसको। देखिए अभी तक जैसे हम लोगों ने ये देखा कि किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस में एक्स हमारा डिस्कनेक्टेड कब होगा, ठीक है, तो x डिस्कनेक्टेड कब होगा, अगर x a यूनियन b हो जाए, ठीक है, जहां a और b दोनों कैसे सेट हैं, जहां a और b दोनों कैसे सेट हैं, tau सेपरेटेड सेट्स, ठीक। ये तो हो गया हमारा जो बेसिक डेफिनेशन हो गई डिस्कनेक्टेड होने की, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों ने क्या देखा कि x, tau
डिस्कनेक्टेड कब है, हम लोगों ने ये भी देखा कि जब एक नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट मिले, अभी तुरंत जो रिजल्ट हम लोगों ने प्रूव किया इसके पहले कि अगर एक नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट मिले इसका, जो कि ओपन भी होगा और क्लोज भी होगा, तो अभी हम लोग यही बात कर रहे थे कि एक्स के डिस्कनेक्टेड होने के बारे में हम लोगों ने जो क्राइटेरिया देखे हैं अलग अलग, तो पहला तो हो गया कि मेन डेफिनेशन क्राइटेरिया, दूसरा अभी हम लोगों ने तुरंत ये प्रूव किया कि एक्स कॉमा टाउ डिस्कनेक्टेड होगा, कब डिस्कनेक्टेड होगा, अगर एक नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट एक्स का मिलेगा जो कि दोनों ओपन भी होगा और क्लोज भी होगा, अभी तुरंत हम लोगों ने रिजल्ट प्रूव किया। अब एक और यूजफुल क्राइटेरिया है कि एक्स कॉमा टाउ डिस्कनेक्टेड होगा अगर फॉलोइंग, जो आपको मैं नेक्स्ट फर्स्ट या सेकेंड दो पॉइंट दिखाने जा रहा हूं उनमें से कोई भी एक होल्ड करता है। क्या है ये दोनों पॉइंट्स? देखिए, पहला ये है कि x इज यूनियन ऑफ टू नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट ओपन सेट्स, या फिर x इज यूनियन ऑफ टू नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट क्लोज सेट्स। ठीक, तो अगर इन दोनों में से कोई भी बात होती है, ठीक है, मतलब x यूनियन हो जाए टू नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट ओपन सेट्स के, या फिर एक्स यूनियन हो जाए टू नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट क्लोज सेट्स का, इन दोनों ही केसेस में जो एक्स हमारा है वो क्या हो जाएगा, वो डिस्कनेक्टेड हो जाएगा। ठीक, और इसको प्रूफ करना, इसको समझना बहुत ही आसान है। ये बेसिकली आपका जो पुराना रिजल्ट था, मैंने ये आज शुरुआत में ही मैंने इसको बताया कि टू ओपन, ये शायद हाँ ये लास्ट टर्म पे ये डिस्कस किया गया था कि टू ओपन और क्लोज सेट्स are separated if and only if they are disjoint. ठीक, तो अगर आपने दो सेट्स ओपन ले लिए और वो disjoint हैं, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, separated, और x उनका अगर union हो जाएगा separated sets का, तो x हमारा कैसा space हो जाएगा, disconnected. ठीक, तो ये बहुत ही clear सा result है, इसको आप लोग खुद एक बार अच्छे से try कर लीजिएगा, फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग कहते हैं कि x disconnected है, तो इसका मतलब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग दो नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट ओपन या क्लोज सेट्स लेने जा रहे हैं, या हमको मिलने जा रहे हैं ए और बी, जिनका यूनियन करने पर एक्स आ जाएगा। इस परिस्थिति में या इस केस में ए यूनियन बी को कहते हैं डिसकनेक्शन ऑफ एक्स, यानी सिंपल सी बात सब मिला करके जो समरी है वो ये है कि अगर एक्स आपने लिया और एक्स आपका टोपोलॉजिकल स्पेस है, ठीक, और वो टोपोलॉजिकल स्पेस आपका डिस्कनेक्टेड है, तो अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, दो सेट्स आपको मिलेंगे, ठीक है, जिनका यूनियन करने पर, ए और बी का यूनियन करने पर एक्स आएगा, और वो जो दो सेट्स होंगे वो या तो दोनों ओपन होंगे या तो दोनों ही क्लोज होंगे। ठीक है, तो इस केस में जो ए यूनियन बी होता है, इस ए यूनियन बी या इस ए और बी के मिलने के कारण से ही एक्स हमारा क्या हो गया, डिस्कनेक्टेड हो गया, तो इस ए यूनियन बी को हम कहते हैं डिस्कनेक्शन ऑफ एक्स, दिस ए यूनियन बी इज कॉल्ड डिस्कनेक्शन ऑफ एक्स। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा कि डिस्कनेक्शन ऑफ एक्स का या डिस्कनेक्शन ऑफ किसी टोपोलॉजिकल स्पेस का क्या मतलब है। ठीक है, उसका मतलब है ए यूनियन बी, जहां पर ए और बी क्या है, नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट ओपन सेट्स या फिर नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट क्लोज सेट्स। ठीक है, अब कुछ रिजल्ट्स मैं आपको दे रहा हूं करने के लिए, आज ट्राई करने के लिए। ठीक है, ये रिजल्ट्स आप लोगों को आराम से उसमें मिल जाएंगे, इसका मैं ट्रांसक्रिप्ट भी भेज दूंगा, या फिर इसके वीडियो में आप लोग पॉज करके इन रिजल्ट्स को एक बार देख लीजिएगा। ये कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, जो यहां मैंने फोर्थ पॉइंट लिखा है, इसको मैं पढ़ दे रहा हूं दोबारा। ये कह रहा है कि अगर ई कोई कनेक्टेड सेट है किसी टोपोलॉजिकल स्पेस में, और ई और ई बार के बीच में एक सेट फिट होता है, सपोज एफ, मतलब एफ इज अ सेट विच इज सुपरसेट ऑफ ई एंड एफ इज सबसेट ऑफ ई बार। ठीक, तो एफ हमारा जो सेट है वो भी कनेक्टेड हो जाता है, एफ जो हमारा सेट है वो भी कनेक्टेड हो जाता है। ठीक है, और अब देखिए, अगर आप लोग चाहें तो ई और ई बार के बीच में खुद ई बार को सेट कर सकते हैं, क्योंकि ई बार इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज सुपर सेट ऑफ दिस, आप यहां ये भी लिख सकते हो क्योंकि इक्वल तो हो ही रहा है। ठीक है ना, तो जैसे ई और ई बार के बीच में ई बार भी आ सकता है, तो अगर आपका ई एक कनेक्टेड सेट है तो
जैसे F बीच में आ रहा था, F भी कनेक्टेड होगा, उसी तरह से ER भी है, तो ER भी क्या होगा, कनेक्टेड। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही अच्छा सा रिजल्ट है कि अगर E कनेक्टेड है तो ER भी कनेक्टेड होगा। ठीक है, इस रिजल्ट को ध्यान रखिएगा, इफ ई इज कनेक्टेड देन ER इज कनेक्टेड। ठीक, तो ये फिलहाल फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और हाँ कुछ रिजल्ट्स और भी हैं, जैसा कि मैं 6 रिजल्ट्स आपको ट्राई करने के लिए दिए हैं, ये 6 रिजल्ट्स हैं। ठीक है, ये वाला रिजल्ट भी मैं समझा देता हूँ शॉर्ट में क्या कह रहा है ये रिजल्ट, देखते हैं कि अगर आप एक फैमिली ऑफ कनेक्टेड सेट्स लें। ठीक है, और ये अच्छा, ये रिजल्ट बहुत ही ऑब्वियस सा रिजल्ट है, जैसे समझने के लिए मान लेते हैं कि हम लोगों ने सपोज करते हैं, हम लोगों ने C1, C2, C3, इस तरह से तीन लिए, तीन सेट्स। ठीक है, और ये तीनों सेट्स क्या है, कनेक्टेड है, और इन तीनों का आपस में जब इंटरसेक्शन कर रहे हैं, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल ऑफ देम, तो वो phi नहीं आ रहा, मतलब कुछ कॉमन, जैसे यहां पर देखिए ना, कुछ कॉमन है तीनों में, कुछ कॉमन है। तो ऐसे केस में क्या हो जाता है कि C1 यूनियन C2 यूनियन C3, मतलब इनका तीनों का यूनियन, वो भी क्या हो जाता है, कनेक्टेड। मतलब अगर C1 C2 C3 या ऐसे आगे बढ़ते जाएं, आर्बिट्रेरी कलेक्शन, आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ कनेक्टेड सेट्स लें, और उनका सबका इंटरसेक्शन phi नहीं आ रहा है, तो उनका सबका यूनियन जो होगा वो भी कनेक्टेड होगा। तो एक रिजल्ट ये है, और एक इसी से मिलता जुलता रिजल्ट है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि अगर सपोज कीजिए कि आपने किसी टॉपोलॉजिकल स्पेस X में C1 C2 C3 आपने बहुत सारे सेट्स लिए, ठीक है, वो सारे के सारे सेट्स क्या हैं, कनेक्टेड सेट्स हैं, और उन्हीं में से एक सेट ऐसा है, देखिएगा C1 C2 C3 मान लीजिए ऐसे हैं, C1 C2 C3, ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये वाला रिजल्ट से ज्यादा रिलैक्स्ड या ज्यादा जनरल, ये वाला मतलब जो रिजल्ट नंबर 6 है, ये ज्यादा जनरल है, इट्स अ जनरलाइजेशन ऑफ रिजल्ट 5। क्या कह रहा है कि अगर आपने C1 C2 C3 ऐसे खूब सारे सेट्स लिए, सब कनेक्टेड है, और एक मेंबर इन्हीं में से और भी है कनेक्टेड, जो कि विच इंटरसेक्ट्स एवरी अदर मेंबर, मतलब अभी आप यहां पर, या अभी मैं यहां पे क्या करने जा रहा हूं, एक सेट और बनाने जा रहा हूं C4, और ध्यान से देखिएगा कैसे बना रहा हूं C4 को, ये देखिए, दिस इज C4। C4 क्या कर रहा है, C4 C1 को भी इंटरसेक्ट कर रहा है, C2 को भी इंटरसेक्ट कर रहा है, और C3 को भी इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर ऐसा एक सेट मिल जाए जो उस फैमिली के सभी मेंबर्स को इंटरसेक्ट कर सकता है, तो तब भी इनका सबका जो यूनियन होता है, इनका सबका जो यूनियन होता है वो क्या होता है, कनेक्टेड। तो ऑब्वियसली बात लग रही है ना कि कनेक्टेड सा एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा, इस तरह से एक पूरा कनेक्टेड सा एक क्लाउड तैयार होगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर इस रिजल्ट को और भी जनरल रिजल्ट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो ये था कि सभी का इंटरसेक्शन करें और वो नॉन एम्प्टी हो तो कनेक्टेड होगा। ठीक है, फिर एक रिजल्ट है जो आप पहले से जानते हैं कि रियल लाइन में कोई सेट कनेक्टेड कब होता है, जब वो नल सेट हो या सिंगलटन सेट हो या इंटरवल। ठीक, तो अभी ये मीटिंग यहीं पर एंड हो जाएगी क्योंकि टाइम शायद 10 या 5 सेकंड्स बचा होगा। आप लोग इन सभी रिजल्ट्स को एक बार ट्राई करिएगा, प्रूव करने की कोशिश कीजिएगा, और वीडियो आप लोग एक बार देख लेंगे अगर कहीं पर कोई कंफ्यूजन या कोई पॉइंट मिस हो रहा होगा तो। सो थैंक यू।